हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैक्स सॉल्यूशंस। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि असेसमेंट ईयर 2021 के लिए इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स क्या होंगे। जब हम असेसमेंट ईयर 2021 की बात करते हैं तो इसका मतलब है जो हमारा करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 19-20, और इस वाले ईयर के लिए जो हम अपना ITR फाइल करेंगे उसकी लास्ट डेट होगी 31 जुलाई 2020। वैसे तो गवर्नमेंट हर साल डेट एक्सटेंड करती है, तो अगर गवर्नमेंट डेट एक्सटेंड करेगी तो वो डेट एप्लीकेबल होगी, लेकिन अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो ITR फाइलिंग की डेट असेसमेंट ईयर 2021 के लिए होगी 31 जुलाई 2020। और असेसमेंट ईयर 2021 के लिए अगर आप कुछ सेविंग्स करना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं, तो उसके लिए लास्ट डेट होगी 31 मार्च 2020। तो जल्दी से जल्दी अपनी टैक्स प्लानिंग कर लें, अपने इन्वेस्टमेंट्स कर लें। मार्केट में काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट्स करके अपने टैक्स को काफ़ी हद तक सेव कर सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट्स कर लें और 31 मार्च 2020 तक उसे कम्प्लीट कर दें, क्योंकि अगर आपने 31 मार्च 2020 को क्रॉस कर दिया तो फिर आप फाइनेंशियल ईयर 19-20 और असेसमेंट ईयर 2021 के लिए टैक्स सेविंग नहीं कर पाएंगे। इनकम टैक्स स्लैब रेट का पता होना बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि अगर आपको रेट्स पता रहते हैं तो आप अपने एडवांस टैक्स की कैलकुलेशन भी कर सकते हैं और उसे सही समय पर डिपॉजिट भी करवा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और जानते हैं कि असेसमेंट ईयर 2021 में इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स क्या रहेंगे इंडिविजुअल्स के लिए और HUF के लिए। जब हम इंडिविजुअल्स की बात करते हैं तो इंडिविजुअल्स के स्लैब रेट को तीन कैटेगरीज में बांटा गया है, जो लोग 60 साल से कम के हैं, दूसरी कैटेगरी है जो लोग 60 साल से ज़्यादा के हैं लेकिन 80 साल से कम के हैं, और तीसरी कैटेगरी है जो लोग 80 साल से ज़्यादा के हैं जिन्हें कि सुपर सीनियर सिटीजन्स बोला जाता है। तो इंडिविजुअल्स को इन तीन भागों में बांटा गया है और उसके अकॉर्डिंग ही उनके स्लैब रेट्स हैं, जबकि HUF को किसी कैटेगरी में डिवाइड नहीं किया गया है। HUF के लिए एक ही स्लैब रेट एप्लीकेबल है चाहे HUF की एज कितनी भी हो। और इसी तरह से अगर आप NRI हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन हैं, तो उनके लिए भी एक ही कैटेगरी है, सभी के लिए एक ही रेट स्पेसिफाई किया गया है चाहे नॉन रेजिडेंट्स की एज कितनी भी हो। तो सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को तीन भागों में बांटा गया है, HUF के लिए एक ही स्लैब रेट है और NRIs के लिए भी एक ही स्लैब रेट है। तो आइए देखते हैं सबसे पहली कैटेगरी, इंडिविजुअल रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट हु इज ऑफ द एज लेस देन 60 इयर्स ऑन द लास्ट डे ऑफ द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। ये रेट्स तीनों ही तरह के लोगों के लिए हैं, जो भी इंडिविजुअल 60 इयर्स से कम के हैं या फिर जो HUF हैं या फिर नॉन रेसिडेंट इंडियंस हैं। तो सबसे पहला है कि अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक है तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं है, निल टैक्स रेट अप टू इनकम 2,50,000। दूसरी कैटेगरी है 2.5 लाख से लेकर 5 लाख के बीच में अगर आपकी इनकम आती है तो जितना भी पोर्शन आपका 2.5 लाख रुपए से ऊपर का है उस पर 5% का टैक्स लगता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी नेट टैक्सेबल इनकम 3 लाख रुपए की आती है तो 3 लाख में से 2.5 लाख तो हटा दीजिए, उस पर कोई भी टैक्स नहीं है। जो 50,000 बचता है उस 50,000 पर आपको 5% का टैक्स देना होगा अगर आपकी 3 लाख रुपए की इनकम है। अभी यहाँ पर हम सिर्फ टैक्स रेट्स की बात कर रहे हैं, क्योंकि असेसमेंट ईयर 2021 से रिबेट भी इंट्रोड्यूस किया गया है अंडर सेक्शन 87A, उसके बारे में हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे। अभी फिलहाल हम टैक्स रेट्स की बात कर रहे हैं। इसके बाद है 5 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए के बीच में जिनकी नेट टैक्सेबल इनकम आती है, उनकी जितनी भी इनकम 5 लाख रुपए के ऊपर है उस पर 20% का टैक्स और प्लस उसमें आप 12,500 रुपए और ऐड कर दीजिए। और इसके बाद तीसरा है जिनकी इनकम 10 लाख रुपए के ऊपर है, तो जितनी भी इनकम आपकी 10 लाख से ऊपर की है बैलेंस अमाउंट पर आपको 30% देना होगा, और 30% निकालने पर जो आपका अमाउंट आता है उसमें आप ऐड कर दीजिए 1,12,500 रुपए। तो इस तरह से आपका टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। और इनकम टैक्स की कैलकुलेशन हमेशा नेट इनकम पर की जाती है, जो भी आपकी ग्रॉस टोटल इनकम है, मतलब आपको अदर हेड्स में जितनी भी तरह की इनकम्स हो रही हैं वो सब आप ऐड कर लीजिए
और फिर उसमें से आप अपने 80C से लेकर के 80U तक अगर आपने कुछ भी इन्वेस्टमेंट्स किए हुए हैं तो उनको लेस कर दीजिए। उनको लेस करने के बाद जो आपकी नेट इनकम आती है उस पर इनकम टैक्स के ये रेट्स अप्लाई किए जाते हैं और इस तरह से टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अब जो आपका टैक्स अमाउंट आता है उस पर आपको एजुकेशन सेस भी देना है और सरचार्ज भी देना है, वो भी इसमें ऐड होते हैं, पर उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं वो आगे देखेंगे। सेस और सरचार्ज को ऐड करने के बाद जो आपका टोटल इनकम टैक्स आता है उसमें से आपका एडवांस टैक्स लेस हो जाता है। अगर कोई TDS आपका डिडक्ट हुआ है तो TDS डिडक्ट हो जाता है, और अगर आप 87A की रिबेट के लिए एलिजिबल हैं तो वो रिबेट भी उसमें से लेस हो जाती है और अकॉर्डिंगली आपका बैलेंस इनकम टैक्स कैलकुलेट हो जाता है जो आपको पे करना है या फिर आप ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं एजुकेशन सेस और सरचार्ज के लिए क्या रूल्स हैं। सभी तरह के लोगों के लिए 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर की है और आपका टैक्स अमाउंट बन रहा है तो उस पर 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगता है। ये सभी के लिए है, चाहे आप 60 साल से कम के हों, चाहे आप 60 साल से ज़्यादा के हों और चाहे आप 80 साल से ज़्यादा के हों। इसके बाद सरचार्ज की बात करते हैं। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपये से लेकर के 1 करोड़ के बीच में आती है तो आप पर 10% का सरचार्ज भी लगता है, और सरचार्ज कैलकुलेट होता है आपके इनकम टैक्स के अमाउंट पर, जबकि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपके कंसोलिडेटेड अमाउंट पर कैलकुलेट होता है। मतलब अगर आप सरचार्ज के लिए भी एप्लीकेबल हैं तो इनकम टैक्स में सरचार्ज को ऐड करने के बाद जो कंसोलिडेटेड अमाउंट आता है उस पर आपका हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कैलकुलेट होता है। लेकिन अगर आप सरचार्ज के लिए एप्लीकेबल नहीं हैं तो आपको 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस अपने इनकम टैक्स के अमाउंट पर देना होता है। और अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख रुपए से कम की है तो फिर कोई भी सरचार्ज नहीं है। इसके बाद है, अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से भी ज़्यादा की है तो फिर आपको 15% का सरचार्ज देना होगा अपने इनकम टैक्स के अमाउंट पर। तो अंडर सेक्शन 80C आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करें जिससे कि आप पूरे 1.5 लाख रुपए तक का मैक्सिमम बेनिफिट 80C में ले पाएं। इसके साथ काफ़ी सारे अदर सेक्शंस भी हैं, 80C से लेकर के 80U तक काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके अपना काफ़ी सारा टैक्स सेव कर सकते हैं। 80C से लेकर के 80U तक आपको कौन कौन से डिडक्शंस मिल जाते हैं उस पर सेपरेट वीडियो है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके भी उसे चेकआउट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं रिबेट अंडर सेक्शन 87A के बारे में, जो कि अनाउंस हुई थी इंटरिम बजट 2019 में। अब जो हमने आपको अभी इनकम टैक्स स्लैब रेट्स बताए हैं उनको देखने के बाद बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि इंटरिम बजट 2019 में 5 लाख रुपए तक की इनकम को एग्जेम्प्ट कर दिया गया था, लेकिन आप जो टैक्स स्लैब रेट दिखा रहे हैं वो तो लास्ट ईयर वाले ही हैं जो असेसमेंट ईयर 19-20 के लिए एप्लीकेबल थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये क्लियर कर देते हैं आपको कि इनकम टैक्स स्लैब रेट में गवर्नमेंट ने कोई भी चेंज नहीं किया है। इनकम टैक्स स्लैब रेट वही है आपका जो आपका असेसमेंट ईयर 19-20 में था। जो 5 लाख रुपए की इनकम को एग्जेम्प्ट करने की बात हुई थी इंटरिम बजट में वो था रिबेट अंडर सेक्शन 87A। फिलहाल असेसमेंट ईयर 19-20 में आपको रिबेट मिलता था 2,500 रुपए का अगर आपकी इनकम 3.5 लाख रुपए से कम की होती थी। तो इसी 87A के रिबेट को गवर्नमेंट ने असेसमेंट ईयर 2021 से बढ़ाकर कर दिया है 12,500 रुपए, और इनकम आपकी होनी चाहिए 5 लाख रुपए से कम। अगर 5 लाख रुपए से कम की आपकी नेट टैक्सेबल इनकम आ रही है तो आप 12,500 रुपए तक का अपना पूरा टैक्स एग्जेम्प्ट करवा सकते हैं और आपको टैक्स की लायबिलिटी नहीं पड़ेगी। ये जो अमेंडमेंट किया है गवर्नमेंट ने, ये इसलिए किया क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है कि जो लोअर इनकम ग्रुप है जिनकी इनकम 5 लाख रुपए से कम की है उन्हें इसका फ़ायदा मिल सके। अगर वो टैक्स स्लैब रेट को चेंज कर देते और 5 लाख रुपए तक की इनकम को एग्जेम्प्ट कर देते जो कि अभी 2.5 लाख रुपए है, तो उनको फिर सारे ही स्लैब रेट्स चेंज करने पड़ते, और इससे क्या होता कि जो रिच पीपल हैं जिनको काफ़ी ज़्यादा अर्निंग्स होती हैं उनके टैक्स स्लैब रेट भी काफ़ी कम हो जाते। तो इससे ज़्यादा बेनिफिट पुअर पीपल को नहीं होता, इससे ज़्यादा बेनिफिट रिच पीपल्स को होने लगता। इस वजह से गवर्नमेंट ने 87A के रिबेट में चेंज किया है जिससे कि जो लोअर इनकम ग्रुप है उसको इसका फ़ायदा मिल सके।
तो ये तो कुछ इम्पॉर्टेंट बातें थी। अब आइए चल के देखते हैं कि टैक्स स्लैब रेट क्या होगा सीनियर सिटीजन्स के लिए। सीनियर सिटीजन्स जिनकी एज है मोर देन 60 ईयर्स लेकिन लेस देन 80 ईयर्स ऑन 31 मार्च 2020, अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए तक है तो निल कोई भी टैक्स नहीं है। अगर आपकी इनकम 3 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में आती है तो 5% का इनकम टैक्स आपको देना होगा जो भी बैलेंस अमाउंट होगा। मतलब अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए की है तो 3 लाख के पोर्शन पर तो कोई टैक्स नहीं है और जो बैलेंस अमाउंट होगा 1 लाख रुपए का उसका 5% आपको टैक्स देना होगा। अगर आपकी इनकम है 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में तो आपको बैलेंस अमाउंट पर देना है 20%। मतलब जितना भी पोर्शन आपका 5 लाख के ऊपर का है उस पोर्शन पर आपको देना है 20% और प्लस उसमें 10,000 और ऐड कर दीजिए, इस तरह से आपका टोटल टैक्स निकल आएगा। और अगर आपकी इनकम है 10 लाख रुपए से ऊपर तो आपको जितनी भी इनकम 10 लाख रुपए से ऊपर की है उस पर देना है 30% का टैक्स और प्लस उसमें ऐड कर दीजिए 1,10,000 रुपए, तो आपका निकल आएगा टोटल टैक्स अमाउंट। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे सीनियर सिटीजन्स, और सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एजुकेशन सेस का सेम ही रेट है 4% और सरचार्ज के रूल्स भी सेम ही हैं जो इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल थे। 50 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी सरचार्ज नहीं है और अगर 50 लाख रुपए से ऊपर की इनकम है तो उस पर 10% या 15% जिस भी कैटेगरी में आप फॉल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको सरचार्ज देना होगा। इसी तरह से 87A का रिबेट भी सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स दोनों के लिए ही एप्लीकेबल है। चलिए देखते हैं कि सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या इनकम टैक्स स्लैब रेट्स हैं। जो भी लोग 80 ईयर्स के अबव हैं उनके लिए स्लैब रेट्स रहेंगे। अप टू 5 लाख रुपीस कोई भी टैक्स नहीं है। 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में अगर आपकी इनकम आती है तो 20% का स्लैब रेट है और 10 लाख के ऊपर अगर आपकी इनकम आती है तो 30% का स्लैब रेट है और प्लस उसमें 1 लाख रुपए और ऐड कर दीजिए अपने टोटल इनकम टैक्स को कैलकुलेट करने के लिए। सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए भी एजुकेशन सेस और सरचार्ज के रूल सेम रहेंगे जो कि इंडिविजुअल्स के लिए थे, और रिबेट अंडर सेक्शन 87A का बेनिफिट सुपर सीनियर सिटीजन्स को नहीं मिल पाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी इनकी 5 लाख रुपए तक की इनकम को एग्जेम्प्ट किया गया है। 87A का रिबेट हमें तभी मिलता है जब हमारी इनकम 5 लाख रुपए तक होती है और सुपर सीनियर सिटीजन्स की इनकम को ऑलरेडी 5 लाख रुपए तक निल टैक्स पर रखा गया है। तो फ्रेंड्स ये थे इनकम टैक्स स्लैब रेट्स जो कि एप्लीकेबल होंगे असेसमेंट ईयर 2021 से। अपनी इनकम टैक्स प्लानिंग आप अभी से स्टार्ट कर दें जिससे कि मार्केट में जो भी बेस्ट अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें आप इन्वेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स सेव कर सकें और आपको अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर अच्छा खासा रिटर्न भी मिल जाए 31 मार्च 2020 तक। साथ ही अपने एडवांस टैक्स को भी समय समय पर डिपॉजिट करवाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप एडवांस टैक्स डिपॉजिट नहीं करवाते हैं, अगर आप उसके लिए एलिजिबल हैं तो आपको उस पर काफ़ी अच्छा खासा इंटरेस्ट भी देना पड़ता है, तो उसे सेव करने के लिए अपने एडवांस टैक्स को ज़रूर पे करें। तो फ्रेंड्स आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर हमारे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा जिससे कि दूसरों को भी इससे हेल्प मिल सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।